यार आपके सामने मैथ्स का और एक ट्रिक लेके आया हूँ जो आपका कैलकुलेशन को काफी इजी बना देगा। जो आपको सम्स करने में काफी मेहनत लगती थी आपको, जो 50, 54, 55, 56 का स्क्वायर निकालना हो तो काफी कैलकुलेशन, मल्टीप्लिकेशन, डिवीजन, प्लस ये सब करना पड़ता था आपको। लेकिन ये वीडियो देखने के बाद आप सब स्क्वायर इजीली निकाल पाओगे। जैसे कि मैं आपका दोस्त हूँ जो हेल्प करता है मैथ्स के लिए, वैसे एक और एक दोस्त देता हूँ आपको मैं जो है 25। ये आपका हेल्प करेगा हर एक नंबर का स्क्वायर निकालने के लिए। चलो ले चलते हैं आपको। क्या करना है आपको, आपको याद रखना है कुछ भी जो बोलूंगा मैं आपको, वो प्लस हो या माइनस, सिर्फ और सिर्फ 25 से ही करना है आपको। क्या बोला मैं आपको, 25 ऐसा एक फ्रेंड है जो आपकी हेल्प करेगा 52, 54, 49, 57 के स्क्वायर निकालने के लिए। क्या करना है आपको, प्लस और माइनस सिर्फ और सिर्फ फोकस करना है 25 से ही करना है। चलो स्टार्ट करते हैं हम लोग। सबसे पहले मोर देन 50, दैट मींस 52। अब 52 का स्क्वायर निकालना है मुझे, तो 52 का स्क्वायर निकालना है सबसे पहले आपको पूछूंगा मैं 52 50 से कितना ज्यादा है, 2 ज्यादा है, तो 2 का स्क्वायर क्या होगा, 4। 2 ज्यादा है तो प्लस किससे करोगे आप, 25 से, तो 25 प्लस 2 कितना होगा, 27। आपका आंसर आपको मिल गया, मजा आ रहा है दोस्तों। और एक सम देख लेते हैं, 53, सेम ट्रिक, 53, 50 से 3 कितना ज्यादा है, 3 ज्यादा है, तो 3 3 9। अब 3 ज्यादा है तो क्या करेंगे, प्लस करेंगे, किससे प्लस करेंगे, 25 से प्लस करेंगे, तो 25 प्लस 3 कितना होगा, 28। आपका आंसर है। और एक एग्जांपल ले लेते हैं, 54, 54 का स्क्वायर, 54 का स्क्वायर है तो फिर से पूछता हूं आपसे मैं, 54 50 से कितना ज्यादा है, 4 ज्यादा है, तो 4 4 16, 4 ज्यादा है तो ज्यादा मतलब प्लस, तो किससे प्लस करोगे आप, 25 से, तो 25 प्लस 4 29। आपका आंसर आपको मिल गया। और एक एग्जांपल ले लेते हैं हम लोग, 55 का स्क्वायर क्या करोगे, चलो आप ही बताइए, वेट कर दो आपका आंसर का, 55, 5 ज्यादा है तो क्या होगा, हाँ 25, 5 5 25। अब 5 ज्यादा है तो किससे प्लस करोगे आप, 25 से, 25 प्लस 5 30। आपका आंसर आपको मिल जाएगा। और एक एग्जांपल ले लेते हैं हम लोग, 56 का होल स्क्वायर, दो स्टेप, 56, 50 से 56 कितना ज्यादा है, 6 ज्यादा है, तो 6 का क्या करोगे, 6 6 36, 6 ज्यादा है तो प्लस किस का करोगे, 25, तो 25 प्लस 6 31। आपका आंसर आपको मिल गया। ये जो ट्रिक था वो मोर देन 50 नंबर के लिए था जो 50 से ज्यादा है। अब आपके दिमाग में सवाल आता होगा जो 50 से कम है उसके लिए क्या, दोस्तों घबराइए नहीं, उसके लिए भी एक ट्रिक है मेरे पास, देखते हैं। लेस देन 50, चलो आप बताइए मुझे लेस देन 50 तो कौन सा नंबर होंगे, 42। जैसे कहा था मैंने ये सब के लिए दोस्त दिया है आपको, मैंने कौन सा फ्रेंड दिया है आपको, मैंने 25। जो भी प्लस माइनस करेंगे हम इसके साथ करेंगे हम लोग, 42। 50 से 42 कितना कम है, 8 कम है, कितना कम है, 8, तो 8 8 64। अब 8 कम है, कम मतलब क्या है, माइनस, तो 25 में से 8 माइनस कर दीजिए आप तो कितना होगा, 25 माइनस 8 17। आपका आंसर को मिल गया आपको। और एक एग्जांपल लेते हैं हम लोग, 45 का होल स्क्वायर, 45, आप बताइए 45 50 से कितना कम है, 5 कम है, तो 5 5 25, 5 कम है तो माइनस किससे करना है आपको, 25 से माइनस करना है, तो 25 माइनस 5 कितना होगा, 20। आपका आंसर आपको मिल गया। और एक एग्जांपल देख लेते हैं हम लोग,
47 जो है 50 से कितना कम है, 3 कम है, तो 3 कम है तो क्या होगा, 3 3 9 होगा, तो यहां पे हम लिख दिया हमने 0 9। अब 3 कम है तो 25 से 3 कम करो कितना मिलेगा आपको, 22, तो 22 लिख दिया हमने, हमारा आंसर रेडी मिल गया। और एक एग्जांपल ले लेते हैं हम लोग, 41 का स्क्वायर। चलो बताइए मुझे 41 कितना कम है 50 से, 50 से कितना कम है, 9 कम है, तो 9 9 81। अब 9 कम है तो कम मतलब क्या होता है, माइनस, याद रखिए कम मतलब माइनस और ज्यादा मतलब प्लस, तो कम मतलब माइनस, तो माइनस किससे करोगे आप, 9 से माइनस करोगे 25 से, 25 से 9 माइनस करोगे कितना मिलेगा आपको, 16 आपका आंसर आपको मिल गया। अब आपके दिमाग में ये आ रहा होगा कि मोर देन 50 बता दिया आपने, लेस देन 50 बता दिया, तो सर और कोई 72 75 होगा तब क्या करेंगे, तब तो आपके पास आएंगे नहीं हम लोग। तो ये पिक्चर खत्म नहीं हुआ, अभी बाकी है, वो भी आपको सिखा देता हूं मैं आपको। अब ऐसे नंबर जो ना 50 से ज्यादा हो ना 50 से कम हो, रैंडम नंबर, एग्जांपल 72 का स्क्वायर। अब क्या करोगे, आपको क्या करना है, 3 दोस्त बनाना है, 25 दोस्त, अब 3 दोस्त आ गए, पहला दोस्त, बीच में दोस्त और लास्ट दोस्त। अब क्या करोगे आप, सबसे पहले क्या करोगे आप, पहले दोस्त को प्रेफरेंस दो, पहला दोस्त कौन है आपका, 2 है, तो 2 का स्क्वायर क्या होगा, 2 2 4। अब क्या होगा, 7 और एक फ्रेंड हुआ, तो 7 7 का क्या होगा, 49। 7 2 14 और 14 × 2, आपको समझ में नहीं आ रहा है तो उसको मैं प्रैक्टिकली आपको मैं दिखा रहा हूं आपको क्या करना है आपको, 72 × 2, मतलब जो भी स्क्वायर होगा वो मल्टीप्लाई होने वाला ही है, तो 7 × 2 × 2, 7 2 14, 14 2 28। बहुत स्लो जा रहा हूं मैं, ये पहला सम है इसके लिए, लेकिन मेरी बात मान लो, मेरी बात को यकीन कर लो आप, ए सम के बाद आप यही ट्रिक को बहुत स्पीड में कर पाओगे आप, ठीक है। चलो आपको ले चलता हूं मैं अभी, ये पहला, दूसरा और तीसरा। आपको ये ट्रिक याद रखना है हमेशा कि यहाँ पे हमेशा सिंगल नंबर होगा, आगे वाला नंबर आगे फॉरवर्ड हो जाएगा, आगे वाला नंबर आगे फॉरवर्ड हो जाएगा। एग्जाम्पल इसके आगे कौन है, यहाँ फॉरवर्ड हो जाएगा, क्या होगा, प्लस, ये नंबर आगे फॉरवर्ड हो जाएगा, ये नंबर क्या होगा, प्लस। स्टार्ट करते हैं, 4 4 लिख दिया हमने, 0 + 8 कितना होगा, 8 लिख दिया, 8, 2 + 9 कितना होगा, 11, 4 + वो कितना होगा, 5। आपका आंसर आपको मिल गया, यही ट्रिक है। चलो और एक एग्जांपल लेते हैं हम लोग, फिर याद रखना है, 3 दोस्त एक साथ मिलेंगे, अमर, अकबर, एंटनी। क्या करना है आपको, सबसे पहले 9 9 9 81, 2 2 4। अब क्या करना है आपको, 9 × 2 × 2, तो क्या करोगे आप, 9 2 18 18 2 36। अब क्या करोगे, सेकेंड ट्रिक, जो भी प्लेस में है उसका आगे वाला नंबर कैरी फॉरवर्ड हो जाएगा, 0 कैरी फॉरवर्ड हो जाएगा, 3 कैरी फॉरवर्ड हो जाएगा, और क्या होगा, ये प्लस होगा, 4 आ गया यहां पर, 0 + 6 6, 3 + 1 4, और 8 यहां पर आ गया। आपका आंसर आपको मिल गया। कैसा लगा आपको ये सब ट्रिक, आपके मैं 3 ट्रिक लेके आया आपके लिए मैं, जो मोर देन 50 हो तो कैसे फाइंड कर सकते हो आप, लेस देन 50 हो तो कैसे फाइंड कर सकते हो आप, और ये वाला ट्रिक जो रैंडमली कोई भी नंबर हो तो हम कैसे फाइंड करें। आपका सारा स्क्वायर का मैंने ट्रिक यहां पर रख दिया मैंने,
अब लास्ट एंड फुल एंड फाइनल जो ट्रिक है वो ऐसा ट्रिक है जो सिलेक्टेड नंबर के साथ हो सकता है, स्क्वायर की बात करो तो मैं वो भी सीख लो आप। ये सब स्क्वायर ही है, लेकिन इसमें पैटर्न क्या है इसके अंदर कि 5-5 हो और यहां पे सेम नंबर हो तो ही हो सकता है, 5-5 हो सेम नंबर हो, 5-5 हो सेम नंबर हो तो आप कर सकते हो। ये सारा आपको इसलिए सिखा रहा हूं मैं क्योंकि ये मैथ्स है, हम कैसे भी सॉल्व कर सकते हैं हम लोग, कब कौन सा ट्रिक कब काम आ जाए आप ये सोच सकते नहीं आप। ये कब आपको महसूस होगा, जब आप एग्जाम लिखने बैठे हो और इतना सारा कैलकुलेशन हो तब मेरी ट्रिक याद आएगी तो आप कर पाओगे इस चीज को। तो आप ये टेंशन मत लो, इतने सारे ट्रिक याद कैसे करें, कब ट्रिक आपको याद आ जाएगा आपको ही पता चलेगा। नहीं आपको चलिए चलता हूँ फिर से आपको, अब क्या करना है आपको 5-5 या 25 जो नंबर यहाँ पे होगा, क्या बोल रहा हूँ मैं, जो नंबर यहाँ पे होगा वो प्लस वन कर दो आप, 1+1 2 2 1 2 आपका आंसर मिल गया आपको। 5-5 25 यहाँ क्या नंबर है 2, क्या करना है आपको प्लस 1, 2+1 3 तो 3 2 6, 5-5 25 3+1 4 4 3 12 5-5 25 8 है तो प्लस 1 कर दीजिए 8+1 9 9 8 72 5-5 25 सिर्फ और सिर्फ करना है जो नंबर यहाँ पे होगा आपको प्लस 1 कर देना है 7+1 8 7 7+1 8 8 7 56 5-5 25 6+1 7 7 6 42 आपका आंसर आपको मिल जाएगा। अगर आपको ये सारे ट्रिक्स पसंद आए हो तो प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और शेयर कीजिए। और एक बार और एक कहना है आपसे मुझे, मेरा और एक ट्रिक आएगा नेक्स्ट वीडियो के लिए, वो ट्रिक सिर्फ और सिर्फ सब्सक्राइबर के लिए होगा, मैं आपको बता देता हूँ अगला ट्रिक क्या होगा, ये ट्रिक मैं नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगा। मैं इसको आप लेस देन 2 सेकंड सॉल्व कर पाओगे, ये आपको मैं नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगा। अगर सब्सक्राइब नहीं किए हैं सब्सक्राइब कर लीजिए क्योंकि आपको ये सीखने का मौका आपको नेक्स्ट वीडियो में मिलेगा। दुआ में याद रखिए, बाय।